अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, मैं साज चैनल से कैनेडा लाइफ स्टाइल के साथ। आज है खुशियों भरा दिन, ईद का दिन। सब व्यूवर्स को ईद मुबारक। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आज का दिन सब के लिए खुशियां लेकर आए, सबको ढेरों खुशियों से नवाजे अल्लाह ताला। वो जहाज उड़ने वाला लैंडिंग टेक आउट करेगा भी। गाड़ियां आ गई, आ गए। नमाज पढ़ने जा रही है इंटरनेशनल हॉल में, नमाज है। इसरार कहीं उधर नहीं आ रहे, कह रहे थे मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ खड़ी है, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। वो खड़ी है मुझे, मेरा मेरी मियाँ सामने खड़े हैं। किधर है सरमन? आ रहे हैं। रश देखें कितना लगा हुआ है, इस कदर का रश है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, अंदर इतना रश था जबरदस्त। जी जहाज लैंड करने लगा। देखिए उससे पूछे ना फोन करके गाड़ी कहाँ खड़ी की है। देखिए जी, सबने घाघरे शाघरे पहने हुए हैं, आज ईद का दिन है। हाँ, मेरे मियाँ को देखें, ये मेरे मियाँ जा रहे हैं। इतना प्यारा वेलवेट का कुर्ता है, बहुत प्यारा लग रहा है। वो देखें, वो क्यूट सी बच्ची जा रही है, बच्चों के प्यारे प्यारे गरारे, इतने क्यूट लग रहे हैं। अब हो गया, वो उंगली दूसरी भी आई थी, बहुत प्यारी लग रही है आप। इतना प्यारा सूट आपने, आपकी मम्मा ने मंगवाया है, आपको पसंद आया? बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगा। टिक्का भी बहुत प्यारा है। हाँ जी, आप तो बहुत क्यूट हैं, बहुत कहता है मैं। और ये वाली दूसरी का देखें कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है आपके ड्रेस। चले एक ये क्यूट सी बेबी जा रही है, प्यारी सी। इधर 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 इधर, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप मेरी बना दें, आप मेरी बना दें। अच्छा, ये ना इस हील में गिर जाऊं, माशाल्लाह। हाँ, दोनों ने जूते, सुने हमने जूते पहने ही नहीं दूसरे वाले, हद हो गई यार। इतने अच्छे वेलवेट के शूज, ईद मुबारक। मेरी अभी ऐसे इधर से इधर कर दी, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब मुझे गोद में उठा के लेके जा। हाँ, मैं थक गई चल चल के, तेरे को ढूंढ ढूंढ के अशर नशर कर दिया। चलो लो बस, ये गाड़ी खड़ी की हुई है और हम वो आगे तक गए हैं, वहाँ से होके फिर वापस आए हैं, और मेरी मत बजी गई है। और गाड़ियों का हर तरफ रश ही रश लगा हुआ है, किसी के निकलने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। अच्छा भाई, मेरा पर्स देख लें, इस कदर प्यारा मैंने पर्स मंगवाया है, अपनी सारे सूट के कलर्स मैचिंग करके। और ये देखिए, मेरे सूट की कढ़ाई हुई हुई है, बाद में घर जाके लगाती हूँ, वीडियो लग बनाती हूँ। अभी तो निकलने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, इतना रश है। ये देखिए, ये वाले कलर से मैच करके, और ये सारे कलर्स हैं इसमें, तो इसमें भी सारे कलर चमक रहे हैं। और ऑरेंज कलर का मेकअप इसलिए किया है कि ऑरेंज ऑरेंज हो रही हूँ आज तो। ये हशर हो गया है, ओहो हो, माय गॉड। ये देखिए कितना रश है ना, मैंने अपने बेटे को कुर्ता पहनाया, बेटे ने पहन लिया, देख लिया करना। वो भी आई चले जा रहा, आई चले जा रहा, सब ऐसे ही कर रहे हैं ना, एहतियात से हो जाएगा, आप परेशान ना हो। नहीं नहीं, अच्छा आप परेशान ना हो, इधर देखिए, देखना चाहिए। अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो, ठीक। मैं तो दिख ही नहीं रहा, दिख रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? ये देखो आ रहे, आवाजें आ रही हो, ये देखो मैं नहीं आ रहा अभी, आ रही है अब। तुम ले ही नहीं रही हो मुझे। अच्छा
ये देखें जी, यहाँ शियार होके हशर नशर हो गया है। इतना बुरा हाल हो रहा है, धूप में चल चल के बूथी के भी बेड़ा गर्क हो गया और पैरों का भी बेड़ा गर्क हो गया। हाँ जी, अच्छा प्यारे माशाल्लाह से सरमत अहमद और सरमत के पापा दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे। हम इधर आ गए हैं भाई, घर जाने तक तो भूख लग रही है, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और पकाना है तो अभी हम थोड़ा इधर खा लेते हैं और शाम को फिर हम दावत है, बहन को बुलाया हुआ है और खूब बारबेक्यू वगैरह का इंतज़ाम किया है, तो बस आज बारबेक्यू करना है। घर जाके देख के बिरयानी बनाती हूँ कि नहीं, लेकिन बिरयानी तो बननी ईद पे लाजमी होती है, तो मैं लाजमी बिरयानी बनाऊंगी। चिकन कढ़ाई रायते ही बना लिया था ना, तो वो खाया किसी ने भी नहीं था। ये देखे जी, ये गाड़ी का नंबर है सरमद। वाह भाई वाह, मुबारक है। ये देखे, हाँ मेरे बेटे का नाम है सरमद, तो मेरा बेटा कहते मम्मा वो देखे। वाह भाई वाह, ये रहा मेरा सरमद और वहाँ गाड़ी पे भी लिखा हुआ है सरमद। खुश हो रहा है मेरा बेटा कि गाड़ी में से यहाँ रेस्टोरेंट में आए थे, लेकिन समझ नहीं आया वो चाइनीज रेस्टोरेंट है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे कढ़ाई पॉइंट है, वो कढ़ाई पॉइंट जा रहे हैं फिंच पे। वो देखे जहाज फ्लाई किया है, उस वक्त जहाज लैंड कर रहा था और अब फ्लाई किया है। चले जी घर आ गए हैं, ईद की नमाज पढ़ के जाए अंदर। जूती उतार दी है मैंने अपनी और मैं शूज दूसरे लेकर गई थी। ये देखिए मैं ये वाले शूज लेकर गई थी, अब मैंने ये पहन लिए और ये उतार दिए। इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में। नहीं जी घर आ गए हैं, ये मेरा पर्स था और ड्रेस दिखा देती हूँ। घर वैसे ही गंदा छोड़ गए थे कि नमाज पढ़ के आके करते हैं। घर पे गौर ना कीजिएगा क्योंकि घर बहुत गंदा हो रहा है। ये ले जी, आके चप्पल वप्पल बदल ली है, थक गई भाई मेरे पैर थक गए है। ब्लैक ट्राउजर है और ये वाले सूट है मेरा वेलवेट का, बहुत ही प्यारा। बहुत लोगों ने मुझे रोक रोक के तारीफ की, अब जो है हिम्मत नहीं है, अब बहुत बुरी हालत हो गई है मेरी। ये ले मैं अभी खूब लश्कारे मारी हैं आज, ये परस अपना ये देखिए खूब मैचिंगे करके हैं। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था और ये इसका दुपट्टा है। ये लें जी, ये है इतना इसका। अच्छा मज़े की बात ये कि इस दुपट्टे की लंबाई तो खूब है और चौड़ाई कोई भी नहीं है, चौड़ाई बिल्कुल थोड़ी सी है, ज़रा सी है, ये ज़रा सी चौड़ाई है और लंबाई इतनी है कि बस संभाला नहीं जा रहा था, मुसीबत बनी हुई थी संभालना। तो अब जो है ना बस मैं इतना थक गई हूँ कि मेरी हालत बहुत ही बुरी हो रही है, तो अब जो है मैं जाके खाना दे दूँ बच्चों को, भूख लगी हुई है बड़ा। तो सुबह आया है जॉब से और आके सो गया है, कमरे को ना देखें। ये देखें ये आई शेडो किट्स निकाल के रखी रात में कि कौन सी यूज़ करनी हो पता नहीं। बस ये देखें ये वाली निकाली, ये निकल की है ये वाली, और ये तो ब्लश ऑन किट है, ये निकाली आई रस्ट यू, ये रस्ट कलर की है और इसके इसी में से मैंने लगाए थे कलर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ये ऑरेंज ब्राउन रस्ट ब्राउन कलर जो है ना, ऑरेंज रस्ट कलर, नज़र नहीं आ रहा, लाइट ही नहीं है इधर ऊपर से। ये वाला ये है ब्लड सीना और ये एक है बिजिंग कॉपर, ये दोनों कलर लगाए थे और ऊपर ये गोल्डन कलर का ग्लिटर जो है ना मोस्ट गोल्ड, ये थोड़ा सा लगा लिया, नहीं ये वाला लगाया था सॉरी। ये मेरा बहुत ही प्यारा जो है ना वॉलेट है, वॉलेट वॉज ठीक है, ये ले वॉलेट वॉश का आई रस्ट यू। तीसरा मैंने ये वाली निकाली थी, चौथी मैंने निकाली नहीं। अच्छा जो बड़ी वाली किट है ना वो नहीं निकाली थी, एक और दो और हैं बड़ी बड़ी, ये
लेकिन इसको यूज नहीं किया मैंने, ये भी मैंने ऐसे ही रख देती हूँ। अच्छा जी, ये रखते हैं, ये निकाली थी और एक ये निकाली थी लेकिन ये भी यूज नहीं की। ये मैं कुछ निकाल के रखा था कि क्या पहनना है क्या करना है, जल्दी जल्दी हो जाए, फिर भी लेट हो गए, नमाज नहीं मिली और बहुत दुख हुआ इस बात का। बहुत गंदा हो रहा है ड्रेसिंग टेबल। चलें जी सारा कुछ चेंज करते हैं। ये देखें शक्ल कैसी हो रही है, गंदी सी। यहाँ के मैंने क्या है, इसको बोला था हमें ले जाए कढ़ाई पॉइंट या हमें लेके ही नहीं गया। इसको रास्ता ही नहीं समझ आया, पागल जो है नू, हमारे पल्ले पागल पड़ गया है, सारा मूड ही खराब कर दिया। वरना अभी मैं जा रही थी रेस्टोरेंट, तो मैं कहा था अभी का खाना हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, रात को हम बनाएंगे बिरयानी, बारबेक्यू करेंगे। बारबेक्यू तो नहीं करेंगे, बनाएंगे तो ओवन में या एयर फ्रायर में, लेकिन सारा जो है वो ड्राई ही चीजें हैं। चिकन टिक्का है, सीख कबाब है और क्या हरा भरा चिकन है और अचारी है और पता नहीं क्या क्या है, हाँ वो भी है, चपली भी है, चिकन चपली है। तो बस वो शाम में बनाएंगे। तो अभी जो है ना, अभी तो मैं लगी हूँ सोने, अभी ये खाए चिकन कढ़ाई रात का पक्का हुआ है, किसी ने नहीं खाया, अभी वही खाए, खुद ही नान गर्म करे, रात को बनाऊंगी, रात को मेरी बहन आएगी ना तब बनाऊंगी। रिंग उतार दी है, ये मैंने अपनी गोल्ड की रिंग पहनी थी, ये मुझे इसरार ने गिफ्ट की थी शादी पे, ये थी निकाह का रिंग था लेकिन यहाँ से कनाडा से पाकिस्तान ये रिंग पहुँच नहीं सका था निकाह पे। और आज मैंने अपना उस पे ना कवर फिर से वही चढ़ा लिया है मोतियों वाला, और ये मेरा वो डायमंड का रिंग जो इसरार ने अभी गिफ्ट किया है। एक और भी रिंग था इसरार ने मुझे गिफ्ट किया था, वो आई थिंक मैंने सेल करके दूसरा वो कुछ और ले लिया था, पता नहीं लॉकेट लिया था क्या चेन ली थी, तो अल्लाह जाने वो रिंग कहाँ चला गया, सेल तो नहीं किया था। एक तो ये चीज़ें बहुत दूर होती हैं। चलें जी और अपनी ज्वेलरी श्यूलरी उतारूँ अब मैं। ये देखिए मैंने ज्वेलरी मेरी, मैंने ये इसके साथ मैच कर ली, बड़ी प्यारी लग रही है। इसकी लंबे लंबे लटकने मैं अभी 2021 में चेंज करा के लाई हूँ, वरना पहले बहुत प्यारे थे, तो जो पहले थे वो ज़रा छोटे थे, अब ये लंबे लंबे लटकने, ये लंबे लंबे लग डलवा ली हैं। तो सेट तो छोटा सा है मगर ये लंबी लंबी लड़ियों की वजह से थोड़ा लंबा लंबा हो गया है। ये देखें ये मेरा प्यारा सा सेट है। अच्छा जी, कमरा बहुत गंदा है, अभी बेडशीट चेंज करती हूँ शाम से पहले, क्योंकि शाम को तो बहन ने आना है, तो ज़रा बेडशीट तो चेंज करूँ ना, कमरा मेरे से साफ नहीं होगा आज। अब जो है ना इस दफ़ा ईद पे कोई ख़ास तैयारी नहीं ईद की कर सके, कपड़े भी पहले के बने हुए थे, अगर ना बने होते तो फिर कपड़े भी हम पुराने ही पहनते हैं, क्योंकि जो है ना इस दफ़ा बिल्कुल भी इन चीज़ों की हिम्मत ही नहीं थी। इस दफ़ा नहीं बना रही मैं शीरकुरमा, मैंने रखा है दूध और सेवइयां भी निकाली हैं, लेकिन मुझे याद आया मैं फालूदा लाई हुई हूँ, तो दूध उबल जाए तो फिर उबाला तो आगे है, मैंने हल्का किया है, तो मैं फिर ये फालूदा डाल देती हूँ। ये मैंने कहा चलो फालूदा बना लेते हैं। ये मेरा बिरयानी का कोरमा तैयार हो रहा है, मैंने फालूदा बना लिया, ये ठंडा हो जाए मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ, तो उसके बाद फिर हम इसे कुल्फियाँ डाल डाल के खाएंगे मज़ा लेके। चावलों का पानी चढ़ाया हुआ हो गया है, बस मैं इसमें चावल डालती हूँ। यहाँ ये टिक्के बन रही हैं मेरे, चिकन टिक्का, और ये बाकी ये मेरा हरा भरा, और ये मेरा चिकन सीख कबाब, चिकन क्या था, चिकन या अल्लाह एक तो याद ही नहीं रहता, वो था चिकन वो जो तवे पे वो चपली कबाब, ओह माय गॉड, ये देखना दिमाग का ये हाल है। नहीं जी ये टिक्का मेरा तैयार हो गया है, अब मैं बाकी दूसरी चीज़ें रखूँगी, इसको निकाल लेते हैं। इधर इधर मैंने अपना चिमटा कहाँ रख दिया, ओए होए वो रहा, ये तो धो के रखा है, जो धुला है उसको क्यों गंदा करें, जो यूज़ किया है
वही क्यों ना इस्तेमाल करेंगे। देखें इधर से निकाल के मैं उधर रख रही हूँ इसमें, ये देखें ठीक है, ताकि ना वहाँ, अब इसके बीच में वो दूसरा वाला रखूँगी, ये देखें ये मेरा तैयार हो गया है। तो यहाँ मैं टेबल पे रख देती हूँ, कवर करती हूँ, बाद में सेटिंग शूटिंग करेंगे, अभी हम पका के रख रहे हैं बस। तो ये बंद नहीं होता ना जल्दी से, हमारा हरा भरा चिकन है ये देखें। तो बस इसको हम फ्राई करेंगे, इसको हम पैन में डालते हैं, इसको ये देखें इस तरह से पैन में रख रही है। अभी गर्म नहीं हुआ है ऑयल, अभी मैंने पैन रखा ही है। तो चले, यहाँ चावल बॉयल हो रहे हैं बिरयानी के, और मैं लगी हुई हूँ जल्दी। ये ले जी, ये मेरे देखे, ये आज चपली कबाब मैं एयर फ्राई में बना रही हूँ, कितने खूबसूरत बन रहे हैं, वाह। हरा भरा चिकन टिक्का ये देखे, अभी जो है ना मैंने इसको रखना है टेबल पे, अभी बस तैयार तो हो गया। अच्छा, बिरयानी को लगी हूँ दम लगाने, तो पहले थोड़ा सा ऑयल जो है मैं नीचे डाल दी। मैंने बिरयानी को दम लगा दिया था और अब तैयार है, मिक्स कर लेती हूँ बिरयानी को, ठीक है। इसके जो कलर आते हैं ना मुझे बहुत पसंद है, और ये देखें ये जो इसका डार्क वाला ऑरेंज कलर है ना, ये मेरा फेवरेट कलर है, ये देखें। चले, जब अब आएगी ना बहन, मेरी बहन आ रही है आज, तो उस वक्त में इसको थोड़ा सा इसको स्टीम निकलने देते हैं, फिर इसको मिक्स कर लेंगे बाद में ना, मतलब जब वो आएगी ना तब उस वक्त मिक्स करके। तो आज मुझे ये इतनी अच्छी, कल मुझे ये मिर्चें मिली, ये पाकिस्तानी मिर्चें, मैंने कहा चलो ये मैं ले के आती हूँ, ये वाली मिर्चें मज़े की होती हैं। चलिए, आज बिरयानी इतना, कोरमा इतना मज़े का खट्टा था, मैंने मज़ीद इसमें लेमन ये वो कुछ नहीं डाला। ये जी, ये घर सेट हो गया है हमारा, हमने ईद मुबारक का लगा लिया है। ये देखें, बच्चे जॉब करके आके, बड़े वाला तो सो रहा है, उसका भी घर सजा लिया है मैंने। ये ले, और इधर से गुब्बारे उतार दिए दरवाजे पे से, वो बार बार। अच्छा, गाना अंदर हो रहा था ना। अच्छा, ये ले जी, ये ईद मुबारक लगा दिया ये वाला, और ये मेरे मियाँ के जो है ना पसंदीदा है ये लाइटें, और ये मस्जिद इन्होंने उतारने नहीं दिया, ये पिछले साल का ही लगा हुआ है। और जो है ना ये जाके लीड लेकर आए हैं, ला के इन्होंने इसको स्टार्ट किया है, ये देखें। और ये एक ईद का ये पड़ा हुआ है, रखा हुआ है हमने ईद का, तो अभी जो है ना चले। ये वाला भी मेरा पिछले साल का ही है ईद मुबारक का, हमने इस दफ़ा नया से भी गुब्बारे ही ख़रीदे हैं और कुछ भी नहीं ख़रीदा, और सेंटर टेबल तो साफ करते। मटन कढ़ाई, तो उसके लिए मैंने मसाला भुना, मेरा कुकर जो है ना चल रहा है, इसमें मैं गोश्त को गला रही हूँ, मैंने कहा गोश्त इधर बॉयल कर लेती हूँ कुकर में। ये मैंने कुकर में गोश्त गलाया है और गला के, तो अब मैंने इसमें जो पानी था वो भी मैंने इस मसाले में डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी दही डालूंगी, मेरा फ़ोन जो है वो बंद हो जाएगा, हो सकता है, थोड़ी सी मैं इसमें दही डालूंगी और इसे फुल आँच पे इसे अच्छे से भून लूंगी, ऊपर से गार्निशिंग करूंगी प्याज हरी मिर्च और धनिया की। अगर वीडियो ना बना सके तो सॉरी, दही डाल दी है। चलिए जी, खाना तैयार है, हमने एपिटाइज़र नहीं बनाया क्योंकि एपिटाइज़र खा कर जो है ना फिर खाना नहीं खाया जाता, तो खाने में हमने बनाया था हरा भरा चिकन और साथ में चपली कबाब, चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी और मटन को वो बनाया था, मटन कढ़ाई बनाया था, साथ में नान रख लिए थे, और बहुत मज़ेदार खाना बना था और रायता बनाया था। तो इसके साथ ही ना मुझे इजाज़त दें, आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। एक मिनट बंद करें वीडियो, एक मिनट लंगाओ आपको ये डालना हाँ डालूंगी, मेरी भी बना दें कितने, अब कितनी दफा बनाऊं तुम्हारी, बहुत दफा बनाए, इतनी दफा बनाए जितनी दफा मैं खुश हो जाऊं।
चलो बस बंद कर दो। आप ना हमारी दोनों की बना दे। ये पुडिंग है और ये फालूदा मैंने घर में बनाया है।